अस्सलाम वालेकुम शामिल करता हूँ आपको अपने चैनल के व्लॉग्स में फिर से वेलकम करता हूँ। जो कि व्लॉग के अंदर चलिए सब्सक्राइबर के साथ जो घंटे उसको दोबारा लाइक शेयर लाजमी कर दे। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। तो आज है जी 3 अप्रैल और आज है जी 23वां रोज़ा। सॉरी तो 4 अप्रैल होती है जी मेरे वाले साहब की सालगिरह। पिछले साल हमने सालगिरह बहुत अच्छे तरीके से मनाई थी, फुल डेकोरेट वगैरह किया था, लेकिन इस साल हम डेकोरेट वगैरह नहीं करेंगे। सर हम कहते हैं बस वैसे ही केक वगैरह काटेंगे और कोई गिफ्ट कोई अच्छा सा देंगे। तो क्या कहते हैं गिफ्ट मेरा तैयार है, बस वो पैक करना है। तो अभी आपको गिफ्ट की पैकिंग दिखाऊंगा और फिर आपसे उसके बाद मिलूंगा जी रात को। तो जल्दी से जी आपको गिफ्ट की पैकिंग दिखाता हूँ। तो पिछले साल आपको पता है जी हमने पापा की सालगिरह बहुत अच्छी सी बनाई थी, बहुत डेकोरेशन की थी, लेकिन डेकोरेशन का ये था यार रन पे वो सारी सजाएँ ऐसे फेंक ही देनी थी। तो इस बार ये बता रही हम केक भी काटते हैं नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर केक काटेंगे यार, केक तो हम काटेंगे, पापा की सालगिरह मनाएंगे। तो इसके बाद जो हाली गिफ्ट था वो हाली पार्टी सब ने दे दिया था। इस बार ही मैंने सोचा एक से मैंने यूट्यूबर करते हुए देखा जी अगर उसके उनके किसी की सालगिरह ना 21वीं 22वीं 23वीं तो उनको उतने गिफ्ट देते हैं कि इतने साल के आप हो गए हो, लेकिन मेरे पापा पिछले साल के पिछले से ज़्यादा तो मैं गिफ्ट नहीं दे सकता। तो मैंने सोचा कि पापा की सालगिरह होता जी 4 अप्रैल को और महीना भी चौथा, तो पापा को जी 4 गिफ्ट देते हैं। तो आपको भी मैं दिखा देता हूँ जी पापा के 4 गिफ्ट। तो बाहर से आपको डब्बा देख लग रहा है कि ये मैं पापा को कढ़ाई देने लगूँ, तो एक हुआ 4 गिफ्ट कैसे हुई यार, ये कढ़ाई का बस डब्बा है कि पापा को लगे कढ़ाई है, लेकिन वो खुद ही ये कढ़ाई लाए उनको पता लग जाएगा कि ये हुई कढ़ाई का डब्बा है, देखेंगे अब क्या आएगा तब। तो मेरे पास गिफ्ट में आ जी सबसे पहले जी एक स्मार्ट वॉच, इसका मैं ट्विस्ट आपको हैंड पर बताता हूँ। उसके साथ है जी ये परफ्यूम, ये खुली हुई है चेक करने के लिए खोली है बस। उसके साथ है जी ये जुटी, साथ है जी ये सूट। स्मार्ट वॉच का जो मैं ट्विस्ट कर रहा था वो ये था कि ये स्मार्ट वॉच ही नहीं है, डब्बा खाली है, इसके बीच में डालूंगा जी एक बड़ी चॉकलेट डेयरी मिल्क। तो यार आप 3 गिफ्ट सोच रहे थे, चौथे की समझ नहीं थी यारी, मैं क्या एक चॉकलेट ही दे दो, 3 गिफ्ट तो बाकी दे दी, एक चॉकलेट ही दे दो। तो पापा को इसमें लगेगा जी कि वो एक प्रैंक हो गया कि कढ़ाई के डब्बे में, तो ये बाकी सारे असली गिफ्ट होंगे स्मार्ट वॉच ही होंगे, लेकिन इसके अंदर रहेगी एक चॉकलेट, डबल डबल प्रैंक हो जाएगा। तो अभी भाई शीटें लेने गया जिससे पैक करना है, तो वो ले गया था, फिर आपको दिखाते हैं जी पैकिंग। और ये परफ्यूम वगैरह जूती वगैरह सूट वगैरह मैं आपको तब भी दिखाऊंगा जब पापा गिफ्ट खोलेंगे, अभी नहीं मैं आपको दिखा रहा। तो अभी जी शीट आ चुकी हैं, ये रेड कलर की शीट है, हम इसको सिल्वर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी हम जो करेंगे जी पैक उसको करेंगे जी हम अपना सूट, और भाई ने जो पापा को गिफ्ट देना जी वो है जी एक कवर और साथ एक और सरप्राइज़ है, वो आपको रात को पता लगेगा। और भाई ने जी यार मुझे गिफ्ट किया जी एक ये कहते हैं कवर, बहुत ही प्यारा लगा जी, ये देखिए जी माशाल्लाह यार अच्छी क्वालिटी का कवर है, और साथ एक आईफोन के लीड भी दिया, वो भी थोड़ी देर पहले ख़राब हुई है, तो भी भाई मेरे साथ गया और मुझे ले कर दिया उसने। तो अभी जी शुरू करते हैं जी गिफ्ट की पैकिंग। पैकिंग मुझे तो आती को नहीं, अब भाई का आड़ है पैकिंग, तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे साथ साथ पैकिंग का आड़ है भाई भाई, और अपना भी ताज़ा ताज़ा नया कवर ले गया है, चेक करें जी। वाह ये देखे जी पैक हो चुका है, पापा को पता भी नहीं लगेगा जी इसमें सूट है, क्योंकि डब्बा ही ऐसा है, पापा को लगा है सूट देना है तो डब्बे के बगैर वाला देंगे। आज पापा प्रैंक भी होएगा और पापा सरप्राइज भी हो रहेंगे। तो अब बारी आ जी हमारे जूते की, तो फाइनली जी मेरा गिफ्ट नंबर 2 जूती भी जी पैक हो चुकी है। अब बारी आ जी है परफ्यूम की, ये जी चौथा गिफ्ट भी हो चुका है जी पैक, बहुत तीसरा भाई ने बता दिया। अब जी ये जो ट्विस्ट वाला गिफ्ट है स्मार्ट वॉच के डब्बे के अंदर रखते हैं जी हम डेयरी मिल्क, और जी इसको पैक करते हैं, कोई बात नहीं पता लग रहे। हाँ ये आइडिया अच्छा लगा है, कैसे पापा ने लाया तो बहुत आ रहा है भाई, मेरा बड़ा कलमान है। हाँ एक और टेप लग गया, फिर बिल्कुल नहीं है ये जी, दूसरी टेप भी लग गई ये जी, देखिए जी भाई चेक कर रहे हैं कि पापा अगर इसको ला के चेक करें तो अब वो पता ना लगे, पापा को ये लगे कि परफ्यूम है, अब इसको पैक करती हूँ, परफ्यूम क्या क्यों वॉच है, टेप उसे जोड़ दिए जी चॉकलेट। चौथा गिफ्ट भी पैक, ये 4 गिफ्ट मेरे पैक हो चुके हैं और भाई का भी गिफ्ट पैक हो चुका है, ये जी भाई गिफ्ट जोड़ है, नहीं पहले ठीक जुड़े थे इस डब्बे ने ऊपर ही रहना है भाई, ऐसा हाँ साइड में मसला बनेगा।
कोई बात नहीं, ये कागज है ना, ये देखे जी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा बैग मैंने कागज है बड़ा हुआ, पेपरों के बाद अक्सर बच्चे उड़ाते हैं ना, बस बस बहुत ज्यादा हो गया यार। चेक करें जी कितने कागज हैं, अभी कुछ छोटे छोटे जो इसके साथ छिपा के होने वो अंदर है, वो देखिए नजर आएंगे कितना कागज है यार, एक ही गिफ्ट नजर आ रहा है। तो ये जो डब्बे की लंबाई थी थोड़ी कम थी, हमारे जूता ना थोड़ा सा ऊपर आ रहा था, तो ये हमने देखे कैसे डेको से जोड़ दिया। अब इसके ऊपर आएगी जी हमारी वो शीट, तो फिर जी हम इसको पैक करके रख देंगे और आज 12 बजे की सरप्राइज देंगे। सबसे मुश्किल काम है जी इस कढ़ाई को पैक करना, इस कढ़ाई मतलब कढ़ाई आएगा जी उसको पैक करना है, कढ़ाई वाले डब्बे को पैक करना है, काफ़ी बड़ा डब्बा है, तो इसके ऊपर दोनों शीटें लग जाएंगी, इसलिए हम ज़्यादा शीटें लेके आए थे। तो एकदम से जी पापा ने सरप्राइज एंट्री दी है, हम धीरे धीरे से जी गिफ्ट लेके अंदर कमरे में आए हैं, तो गिफ्ट पूरा जी पैक हो चुका है। अब इसके ऊपर लगना ये रिबन, ये लग गया जी हमारा रिबन, ये हो चुका है जी हमारा गिफ्ट तैयार। बस भाई थोड़ी सी कटिंग कर रहे हैं, अच्छा कटिंग है, डिज़ाइन बना रहा, अच्छा वाह मुझे नहीं सब पता ही ऐसे भी गुड हो गई। ये हो चुका है जी आपके भाई का गिफ्ट जी रेडी, तो हम मिलेंगे जी आपसे सीधा इफ्तारी टाइम। शुरू हो चुका है जी इफ्तारी की तैयारी, यहाँ पे बने पकौड़े और साथ आज बनेगा जी डायनामाइट चिकन और साथ है जी फिंगर फ्राइज। पकौड़े तैयार हो चुके हैं जी, अब यहाँ पे जी फिंगर फ्राइज बन रहे हैं, यहाँ पे जी हमारे फिंगर फ्राइज और पकौड़ों के साथ साथ जी हमारा चिकन भी रेडी हो चुके हैं। दस्तरखान साथ चुका है जी इफ्तारी का, ये देखिए जी डायनामाइट चिकन भी आ रही है जी, मेरी प्लेट तैयार हो चुकी है और साथ है जी स्पेशल है जी रबड़ी दूध, अलग हो चुका है जी इफ्तारी करते हैं। ये आ चुका है जी डायनामाइट चिकन, तो भी जी इफ्तारी कर लिया, बारी आ जी रबड़ी वाले दूध की, अब इसको ट्राई करती है जी। ठंड पै गई, तो वैसे भी टाइम हो रहा है जी ढाई, तो एक थोड़ा मसला हो गया, मेरी ना आँख लग गई थी, तो 12 बजे सरप्राइज देना, तो और अभी ढाई हो चुके हैं, सरप्राइज नहीं दे रहे पापा खुद हमें उठाए के आए हैं, और तो मैं सालगिरह नहीं मनानी, ढाई हो गया, तो यार आँख लग गई थी, अब उठ नहीं सके, तो अब सालगिरह मनाएंगे। तो भाई जरा से पापा को एक और सरप्राइज, और वो है जी ये केक का, ये केक चेक करें जी, पूरी फोटो लगी हुई है हमारी, के लिए हमारा स्पेशल सा जी इंतजाम, ये सबसे पहले स्पेशल सा केक, उसके बाद हमारे गिफ्ट है, साथ कैंडल्स भी हैं, और वहाँ पे बलून और ये चीज़ें पड़ी हुई थी बर्थडे की, तो हमने ये भी सजा दी है। Happy birthday to you. Happy birthday to me. Gift for Ali bhai wala. Bhai ne diya ji gift mein phone ka cover. Wow, zabardast. जिंदाबाद अब्दुल्ला पुत्र मजा आ गई। इधर सब को गिफ्ट जाए राम के पापा ने, मेरा गिफ्ट जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो अनबॉक्सिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वीडियो तेज कर देता हूँ, तो आप एंजॉय करें जी अनबॉक्सिंग। Happy birthday to you.
ये स्मार्ट वॉच इधर की तरफ से थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी जो है बट की तरफ से वाओ, माशाल्लाह जबरदस्त, शुक्रिया। तो मेरी घर का टाइम हो चुका है, बाकी घर वाली रोटी खा रहे हैं, मुझे भूख नहीं है तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, इससे जी यहाँ पे मेरी चाय आ चुकी है, इसके साथ मैं बिस्किट खाऊंगा। ये तो फटाफट से डिसाइड करते हैं।